ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से आज एक इवेंट हुआ था एंड आई सी एज वन। अब इस इवेंट में क्या क्या लॉन्च हुआ है, क्या क्या चीजें नई सामने आई है, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले एक डेढ़ महीने में काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, अभी राखी तक बिजी चलूंगा। आप लोगों को पता है मेरा एक और बिजनेस है सिल्वर राखी का, राणा सिल्वर राखी, अमेजन फ्लिपकार्ट आप सर्च कर सकते हो। तो उसी के चलते मैं कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ इस इवेंट के अंदर जो चीज़ें लॉन्च हुई है उसके बारे में थोड़ी समरी, बाकी डिटेल वीडियो भी जल्दी आने लगेंगे आपके सामने। जितने भी व्हीकल्स लॉन्च हुए हैं उनके कंपैरिजन भी आपके सामने जरूर लेके आऊँगा ताकि आप डिसाइड कर सको आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए। अभी बात करते हैं इस इवेंट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहली चीज़, इन्होंने जो S1 Pro पुराना आ रहा था जिसको Gen 1 कह सकते हैं या फिर Gen 1 के जितने भी स्कूटर थे उनको अपग्रेड किया है Gen 2 के अंदर। हालांकि पुराने वाले भी अवेलेबल है लेकिन नए वाले जो स्कूटर्स हैं उनको भी आप परचेस कर सकते हो। तो अभी के लिए बेस्ट टाइम यह है कि आप पुराने वाले छोड़ के नए वाले परचेस करो। Gen 2 के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, पहले सिंगल सस्पेंशन के साथ आ रहा था S1 Pro, अभी ड्यूल सस्पेंशन के साथ आने वाला है और वहीं साथ में ग्रैब हैंडल, फ्लैट फुटबोर्ड, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर बन जाता है S1 Pro पुराने के मुकाबले, मतलब Gen 1 के मुकाबले Gen 2 ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब वहीं साथ में इन्होंने लॉन्च किया है S1 Air, तो पहले लॉन्च कर दिया था, अभी तीन नए और स्कूटर जिसका नाम है S1X, S1X Plus और ओला का S1X जो है इसका 2 किलोवाट वेरिएंट भी है। प्राइसिंग ये आपके सामने है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, जो लोएस्ट प्राइस है वो है 7999, 3 किलोवाट आर 8999 और जो प्लस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 9999 और ये प्राइसिंग जो है सिर्फ 21 अगस्त तक ही है, मतलब ये 7 दिन का टाइम है अगर आपको इस रेट में परचेस करना है तो। उसके बाद आते हैं इनके दो जो और वेरिएंट है आपको पता है, एक तो S1 Air, प्राइसिंग आप सबको पता ही है, सेकंड है S1 Pro जो कि सेकेंड जनरेशन है। तो Gen 2 से S1 Pro की प्राइसिंग जो है 147,349 रुपये है और उसमें रेंज भी हाई है। अभी रेंज कितनी फ़र्क आया है, S1 Pro जो पहला आ रहा था उसके कंपैरिजन में इसमें 195 किलोमीटर आर की जो ये सर्टिफाइड रेंज है वो बता रहे हैं। पावर जो है वो बढ़ गई है, मतलब जो पहले पावर आई थी 8500 वाट की वो बढ़ के हो चुकी है 11000 वॉट की। तो ये तो यार सच में क्रेजी चीज़ है कि आपको और ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है, 120 किलोमीटर आर की जो टॉप स्पीड है वो मिलने वाली है, टॉर्क आपको अच्छा मिलेगा, इनिशियल पिकअप आपको अच्छा मिलेगा। तब तो जाके आप फर्स्ट जनरेशन छोड़ के सेकेंड जनरेशन ही लिया जाए अगर आप वेट कर सकते हो तो, क्योंकि आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कंपनी बता रही है कि मिड सेप्टेम्बर से डिलीवरी देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वही बात है कि मिड सेप्टेम्बर ना समझ के हम सोचें सेप्टेम्बर एंड तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तो डिलीवरी मिल ही जाएगी। तो ये तो इनके 5 स्कूटर्स हो गए। और क्या लॉन्च किया है इस इवेंट के अंदर, इस इवेंट के अंदर इन्होंने अनाउंस किया है MOVOS 4, उसके फीचर्स क्या है उसके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो MOVOS 4 में एक फीचर मैं आपको बताता हूँ, जियो फेंसिंग फीचर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि रिवॉल्ट RV 400 में भी है। तो उसके अंदर क्या है कि कोई गाड़ी अगर चोरी करने की कोशिश करेगा या गाड़ी को मतलब कुछ भी मूवमेंट करने की कोशिश करेगा आपको नहीं पता है तो आपके मोबाइल पे एक अलर्ट आ जाएगा। और फाइनली आज पहली बार इन्होंने वीडियो की जगह फिजिकली अपने जो इनकी बाइक्स आने वाली है जो 2024 एंड बता रहे हैं, ठीक है जब तक भी आएगी, लेकिन डिस्प्ले तो कर दिया है। जो बाइक का वेट कर रहे हैं या फिर बाइक के लिए क्रेजी है उन लोगों के लिए तो हाँ इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ओला की बाइक लेना चाहते हो तो इन्होंने 4 बाइक्स लॉन्च की है, चारों बाइक्स के डिजाइन जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, सच में थोड़ी अट्रैक्टिव सी डिजाइन लगती है। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इस इवेंट के अंदर वो है इनके नए 100 सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपनी सेल्स के ऊपर ध्यान दे रही है लेकिन सर्विस के अंदर काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, बस डेली आप इस समय 10-12 कॉल्स तो आते ही है। काफ़ी सारे कमेंट्स के अंदर लोग बोलते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे DMs करते हैं कि भैया सर्विस नहीं हो पा रही है, प्रॉपर सर्विस सेंटर नहीं है, सर्विस हमारे को नहीं मिल पा रही है। तो हाँ अगर ये सर्विस पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है और ज़्यादा ग्रो होने की। तो ये पूरी समरी थी आज के इस इवेंट की, आई होप आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सब कुछ चीज़ें पता चल चुकी होगी। बाकी डिटेलिंग में वीडियो हर टॉपिक के ऊपर जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, ओके बाय।